109 मासूमों की मौत पर केंद्र की रिपोर्ट में बदहाली का खुलासा, 70% वॉर में खराब। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीयू में बेड से दुगने बच्चों की भर्ती से बिगड़े हालात। लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी ने किया गौशाला का औचक निरीक्षण, मरी मिली दो गायें। यूपी के बरेली में एक महिला से गैंगरेप की वारदात, पीड़ित ने 40 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, साल भर तक हैवानियत का आरोप। बारामूला के पट्टन इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, दो आतंकियों के छुपे होने की खबर। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर दागे गए दो रॉकेट, बलाद एयरफोर्स बेस पर भी दो मिसाइल दागे गए, अमेरिकी सैनिक थे टारगेट। दूतावास पर रॉकेट से हमले के कुछ ही देर बाद आसमान में उड़ते दिखे अमेरिकी हेलीकॉप्टर, घायलों की जानकारी नहीं। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी चेतावनी, कहा ईरान हमें उकसाए नहीं, पूरी तरह कर देंगे बर्बाद। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरानी कमांडर सुलेमानी का शव इराक के करबला पहुंचा, मातम में हजारों लोग हुए शरीक। ईरान के कुम में जमकरन मस्जिद पर लहराया गया लाल झंडा, युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के समूह के साथ की बैठक, अगले 5 साल के लिए सभी मंत्रालयों के एक्शन प्लान पर मंथन। 21 दिसंबर के बाद पीएम मोदी ने की तीसरी बैठक, टॉप ब्यूरोक्रेट से गवर्नेंस, तकनीकी संसाधन जैसे मुद्दों पर की सलाह मशवरा। बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह आज से दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, नागरिकता कानून के पक्ष में चलाएंगे जन जागरण अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा, नागरिकता कानून के लिए महासंपर्क अभियान में होंगे शामिल। ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव और सिख समुदाय को धमकाने वाले मुख्य आरोपी का नया पैंतरा, माफी मांगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने किया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, अजीत पवार को वित्त, एनसीपी के अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय। बाला साहेब थोरात को राजस्व, अशोक चव्हाण को मिला पीडब्ल्यूडी विभाग, एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय। महाराष्ट्र में मंत्री न बनाने से नाराज कांग्रेस विधायक कैलाश गोरंट्याल का इस्तीफा, प्रदेश अध्यक्ष को भेजी चिट्ठी। मुंबई में एक ही पोस्टर पर नजर आए पीएम मोदी और राज ठाकरे, पालघर के जिला परिषद चुनाव के लिए एमएनएस नेता ने लगाया पोस्टर। अजुद्दीन ओवैसी का आरएसएस पर गंभीर आरोप, कहा मेरी हत्या कराना चाहता है संघ। मनाली के सोलंग वैली में नए साल की पहली बर्फबारी, बर्फ में दबी दिखी कई कारें। मनाली पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर उठाया आनंद, पैराग्लाइडिंग के साथ साथ मस्ती करते दिखे लोग। शिमला में भी नए साल की पहली बर्फबारी, प्रसिद्ध मॉल रोड पर पर्यटकों की उमड़ी भीड़। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी शुरू, करीब 3 फीट मोटी परत जमी। रजौरी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी गिरी बर्फ, पहाड़ों पर दिखी सफेदी।